हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में 86वें पासिंग आउट परेड में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। पुलिस अकादमी के वछे स्टेडियम में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस पासिंग आउट परेड में रंग रूटों के कुल 5,059 जवानों ने शपथ ली, जिसमें 1647 जवान मधुबन से हैं, जिसमें 674 पुरुष एवं 973 महिला सिपाही शामिल है। इस मौके पर डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि यह जवान अपनी पूरी प्रतिभा के साथ निरंतर जनता की सेवा में मौजूद रहेंगे। साथ ही मनोज यादव ने कहा कि साइबर क्राइम प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है, जिससे कि हम साइबर क्राइम पर निरंतर रोक लगाने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवानों एवं उनके परिवारों को बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि इन जवानों ने अपने निजी जीवन को छोड़ते हुए पुलिस की कठोर नौकरी को चुना है, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की होती है और इनका कोई कैलेंडर नहीं होता। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश में महिला थाना खोले गए हैं, जिससे कि महिलाओं से जुड़े हुए मामलों में बहुत कमी आई है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पुलिस के ऊपर पूरे समाज की सुरक्षा का दायित्व होता है, जिसके लिए आप सभी जवानों को निरंतर डट पर रहना चाहिए और अपने प्रदेश की तन मन से हमेशा डटकर सेवा करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सभी जवानों ने प्रदेश को अपना प्रदेश समझते हुए अपनी ड्यूटी को निभाना है। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम हर साल रंग रूट 5,000 सिपाहियों की भर्ती करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर डीजीपी मनोज यादव एवं एडीजीपी सीआईडी अनिल राव भी मौजूद रहे। के लिए समर्पित हुई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा। जो कर्तव्य है उसको पालन करने के लिए आपने कसम खाई है। तो सेवा करेंगे, जिससे भी जो भी जरूरत होगी उसकी कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा करेंगे। दिन आपकी हमारी बहुत ही अच्छी थी, सारे सभी ने बहुत मस्ती की थी, पूरे टाइम हम मस्ती करें। तो आगे काम तो बहुत था, पर मस्ती से किया, सारा कुछ मेहनत से किया हमने सब। आगे क्या लक्ष्य रहेंगे आपके? क्या सर, क्या लक्ष्य रहेंगे आगे के लिए? आपका सबकी मदद करनी है, सबसे खुशी से बात करनी है जी। तो आज परिवार आपका यहाँ आया होगा, किस तरह का रिस्पॉन्स है उनका? मेरा खुशी से उठ रहा है, पूरा हवा में उठ रहा है। कहाँ से हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं दादरी से बिलोंग करती हूँ। रहता है, लेकिन जितना अच्छा समझदार कोई हमारा पुलिस का कर्मी होगा, इन्वेस्टिगेशन में भी काम आएगा और चीज़ें फास्ट हो जाएंगी, और इसका उपयोग आगे जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ रही है, क्राइम का प्रकार बढ़ रहा है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा अच्छा एक योगदान रहेगा। और एक बात हमने और की है कि बहुत लोग कहते हैं इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग यहाँ, अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही तभी यहाँ आ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए उन्होंने इनके रास्ते खोले हैं। अभी तक इनको आगे दूसरी नौकरी में जाने के लिए डिपार्टमेंटल एक बाधा जो होती थी, एनओसी लेनी पड़ती थी, उन्होंने एनओसी भी समाप्त कर दी है। अपने करियर के लिए हरियाणा में कोई आपको आगे नौकरी मिलती है उसके लिए आपको एनओसी नहीं लेनी, बल्कि आप जाइए एग्जाम दीजिए, पास होते हैं तो जस्ट टू इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट, ताकि हमारे योग्य लोग काम करते हुए और आगे बढ़ जाए। नीचे से और नए लोगों की भर्ती हर वर्ष होगी, उसमें से अगर कमी लगेगी तो इस संख्या को हम नीचे से और भी बढ़ा सकते हैं। हमने जैसे ग्रुप डी में भी किया है, ग्रुप डी में भी अच्छे पढ़े लिखे लोग लाए आए हैं, भले ही उनकी योग्यता के हिसाब से वो नौकरी छोटी लगती होगी, लेकिन हमने रास्ते खोले हैं कि उसके बाद एक आधार उनको मिला है काम करने। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।